दोस्तों ये है Redmi Note 9 और Redmi के कई फ़ोन में ये प्रॉब्लम आता है कि ये मोबाइल जो है ऑटो रीस्टार्ट हो जाता है। और रीस्टार्ट किस वक्त होता है, या तो कॉल आ जाए या फिर आप इसके इस मोबाइल में जो है कुछ भी ऑडियो वीडियो स्टार्ट कर दें। जैसे ही वॉल्यूम इस पे आएगा ये मोबाइल जो है ऑफ़ हो जाएगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये प्रॉब्लम आता है। तो जैसे कि हम अभी यूट्यूब स्टार्ट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि जैसे ही हम यूट्यूब प्ले करते हैं वैसे ही मोबाइल जो है वो ऑफ़ हो जाता है, या फिर समझिए तो रीस्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए हम इसमें जैसे ही वॉल्यूम दिए हैं और ये देखिए ये ऑफ़ हो चुका है। ठीक है, जैसे ही आप इसमें वॉल्यूम दीजिएगा ये रीस्टार्ट हो जाएगा। तो आखिर ये प्रॉब्लम होता क्यों है और किस मोबाइल में होता है? तो ज़्यादातर जो है ये रेडमी के फ़ोन में होता है और ये जो है लगभग 2 से 3 साल जब मोबाइल पुराना हो जाता है उसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू होता है। तो क्यों होता है और कैसे इसे ठीक करना है वो सारा डिटेल अभी आपको बताएंगे। जब भी आप अपने मोबाइल को खोलें पीछे से इसका कैबिनेट, तो आप कतई ध्यान रखें कि पीछे जो है जो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर है उसका केबल लगा हुआ होता है। तो अचानक से कभी भी नहीं खींचना है, इसे आपको हाफ खींचना है। हाफ खींच के इसे आप इस तरह से पलट सकते हैं और काफ़ी नाजुक होता है ये केबल। अगर ये ख़राब हो जाता है तो आपका फिंगरप्रिंट सेंसर वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम ये सारे नट्स को जो है अनस्क्रू कर लेंगे, सारे स्क्रू को। उसके बाद जो है फिंगरप्रिंट सेंसर का जो जैक है वो यहाँ से निकाल देंगे। जैसे 4000 mAh का बैटरी है, आप जो है काफ़ी पुराना हो गया, 2-3 साल ये हो चुका है, तो अब ये 2000 mAh ही बचा है। बट यूज़ जब होता है तो बैटरी जो है 4000 mAh चार्ज तो होता है बट डिस्चार्ज इतना तेज़ होता है ये 2000 mAh ही रह जाता है। तो इससे हीट होने पर क्या होता है कि बैटरी का जो फ्यूज होता है उस पर बहुत लोड पड़ जाता है, और बैटरी के फ्यूज पे लोड पड़ने की वजह से क्या होता है कि बैटरी ऑलमोस्ट डेड हो जाता है, जिस वजह से जो है मतलब कि फ्यूज डेड हो जाता है, जिस वजह से जब भी उस पर लोड पड़ता है वॉल्यूम वगैरह इस तरह का कोई भी, तो क्या होता है कि बैटरी उसका फ्यूज जो है ट्रिप हो जाता है। वो मोबाइल हैंग नहीं होता है बल्कि जो उसका बैटरी है वो फ्यूज है वो ट्रिप हो जाता है। ट्रिप होने की वजह से लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, और ये इतना कम समय के लिए होता है कि आपका मोबाइल पूरी तरह से स्विच ऑफ भी नहीं हो पाता है और वो जो है रीस्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि बैटरी का जो सर्किट होता है इस जगह पे, आप जानते होंगे कि जो ये आप केबल देख रहे हैं ये फ्लेक्स केबल के नीचे एक सर्किट होता है, वो सर्किट से हमें फ्यूज़ को ढूंढना है। और फ्यूज़ को जो है हम चेंज नहीं करेंगे, फ्यूज़ को जो है वहाँ से हटा देंगे। फ्यूज़ को हटा के वहाँ से जो है डायरेक्ट कनेक्शन करेंगे ताकि जो है ये हमारा बिना फ्यूज़ का वर्क करे। दोस्तों इसी Q1 का जो फ्यूज़ है इसे हमें डायरेक्ट करना है, और डायरेक्ट करने के लिए आप दो चीज़ यूज़ कर सकते हैं, या तो इसे आप रिमूव कर दें अगर आपके पास हॉट गन है तो, और सिर्फ आपके पास सोल्डरिंग आयरन है तो आप इसके ऊपर ही जो है रंगा को डाल दें। ये देखिए मैंने इसे रिमूव कर लिया है, तो इसे मैंने काफ़ी हीट करके रिमूव कर लिया, और अब हम इस सर्किट को जो है दोनों को एक कर देंगे ताकि ये फ्यूज जो है एक हो जाए। और इस जगह पे आप देखेंगे तो सर्किट को जो है मैंने डायरेक्ट कर दिया, यही वो सर्किट था जिसे मैंने डायरेक्ट किया है। और इसे अब हम अच्छी तरह से जैसे पहले था उस तरह से पैक कर लेते हैं और सारे नट्स जितने भी स्क्रू हैं वो सब कस देते हैं। उसके बाद जो है आपको हम इसे रिस्टार्ट करके और म्यूजिक भी सुना के देखते हैं कि ये सही से ठीक हुआ या फिर नहीं हुआ है। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो ये देखिए मैंने मोबाइल को जो है बिल्कुल ठीक कर लिया है। अभी मैंने फ्यूज इसका चेंज किया था और अभी आप इसका म्यूजिक भी सुन सकते हैं, ये चल रहा है म्यूजिक इसका। और इसे मैंने सारा स्क्रू भी इसका टाइट कर लिया है। ये नॉन कॉपीराइट म्यूजिक है और काफ़ी जो है अच्छी तरह से ये फ़ोन अब वर्क कर रहा है। अभी आपको मैं और भी म्यूजिक सुना देता हूँ, ये जो है बिल्कुल सही हो चुका है, अब इसमें जो है ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से आप भी अपना मोबाइल जो है कर सकते हैं ठीक। और जो है प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस तरह का जो है आपको सारा जानकारी मोबाइल से रिलेटेड या गैजेट से रिलेटेड आपको मिलता रहेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।